हमारे ब्लॉक में जो हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट प्लस एग्रीकल्चर के जो मैंने कल भी जनाब को अर्ज की थी कि जो छोटा स्टाफ है डिस्ट्रिक्ट अफसर तो मैंने जिनको प्रधानमंत्री का पैसा आया है अकाउंट में उनका ही बनेगा। फिर मैंने इनको फोन किया, इन्होंने फिर उसको जाके बना किया दोबारा। तो सर इसमें मुलाकात को करना है आप तहसीलदार साहब को या पटवारी को, गद्दावर को, नए तहसीलदार बन देते हैं हमारे बड़े खास आदमी है, लेकिन सारे सोचते हैं लेजी है, करेगा कौन? मेरे सवालों का तो आपने पहले जवाब दे दिया, मैं आपसे क्या सवाल करूँ? आपने पहले क्या दिया, कैंप लगाना है, सब कुछ करना है, अगर आप ही नहीं सुनते मेरी कहाँ सुनेंगे सर? ये सिस्टम यही है। नहीं नहीं, अगर आप कहीं से देखिएगा इस तरह से जो है, अगर आप ऐसे बोलेंगे कोई भी, आपने ये बताना है कि ये इस दिन यहाँ पे कैंप लगा था, यहाँ पे ये पटवारी का नाम है, ये नहीं आया था, फिर मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। अगर जनरल बात करने पर फिर कार्रवाई हो नहीं पाती, ठीक है? तो अगर आपने कि इस पंचायत पे हमारा ये पटवारी आया था और उसमें जो है, या फिर यहाँ पे हमारा ये एग्रीकल्चर का अफसर था, ये हमारा जो है ये बैंक मैनेजर है, इन तीनों से हमें जो है, इससे हमें जो है कॉपरेशन नहीं मिल रहा है, तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर पाएंगे। अदरवाइज एक जनरलाइज स्टेटमेंट में हमेशा प्रॉब्लम हो जाती है, कार्रवाई किसके खिलाफ करें? नोटिस में आना चाहिए हमारे, तब तक कोई भी, अगर आप जो मुझे जो है आप अगर उसके बाद फाइनेंशियल लिंकेज अनदर है मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स स्कीम, हमारी टर्म लोन स्कीम, उसमें फाइनेंशियल लिंकेज देते हैं मिनिमम 4 लाख, मैक्सिमम इट कैन गो अप टू 30 लाख। सर अभी रिसेंटली हमारा 29 कैंडिडेट्स का बैच हुआ है, उनके लिए केसेस अभी अंडर प्रोसेस है, तो इसमें थोड़ा आपकी भी छोटी है एग्रीकल्चर की, इसमें नहीं हमारे नहीं नहीं तो उसमें भी आपको पता होना चाहिए कि क्या ये स्कीम है। स्कीम ये है कि जो है कि अगर कोई जो है अपना टैक्स आया करे तो उसके लिए सरकार सब्सिडी देने की नहीं, मशीनरी तो इस बार हमने काफी देने की कोशिश की है, इसके अलावा भी हम जो अभी और भी देंगे, अभी जो है कुछ और भी देंगे। मुझे समझने वाले बीच में हमारा जो 4 लाख रुपए वाला है उसमें 8 लाख रुपए का सामान आपने खरीदा है पहले, ये बैक एंडेड सब्सिडी है। पुंछ में हमारी जो गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, हमारी जो फ्लैगशिप स्कीम है उसमें हमने 100% कवरेज करना है, जिसमें हमारी पेंशन स्कीम है, स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, सोशल वेलफेयर की और भी काफ़ी सारी स्कीम है। उसके बारे में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं उनको भी अवेयर किया गया, उनको भी इंस्ट्रक्शन दी गई, और उनके साथ साथ हमारे जो BDC चेयरमैन साहिबान हैं, जो हमारे BDC चेयरपर्सन हैं, सो उनको भी ये इसके बारे में अवेयर किया गया कि गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव हैं। इसके अलावा हमारे जो बॉर्डर ब्लॉक हैं वहाँ पर भी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि हम उनको 100% सैचुरेट करेंगे कुछ स्कीम्स के मुतल्ला, तो उसके बारे में भी उनको यहाँ पर अवेयर किया गया। इसके साथ साथ जो हमारे BDC चेयरपर्सन हैं उनके जो इश्यूज थे उनको भी यहाँ पर डिस्कस किया गया, और डिफरेंट डिपार्टमेंट को ये हिदायत दी गई कि वो गवर्नमेंट का जो ये इनिशिएटिव है कि 100% कवरेज पेंशन में, 100% कवरेज स्कॉलरशिप में, 100% कवरेज जो सोशल स्कीम है, जो फाइनेंस की हमारी स्कीम है, फाइनेंशियल इंक्लूजन की, उसमें होना चाहिए, उसके बारे में भी जो भी हमारे चेयरपर्सन के साथ साथ हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनको सेंसिटाइज भी किया गया, और उनको ये डायरेक्शन भी दी गई कि जल्द से जल्द उसमें 100% कवरेज हमने डिफरेंट स्कीम्स में जो बेनिफिशियरी है उनका करना है।